बहन प्रियंका को लेकर हवाई जहाज से ले उड़े राहुल गांधी, दिल्ली तक मच गया भयंकर बवाल। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हाल ही में आपराधिक मानहानि के एक मामले में 2 साल की जेल की सजा सुनाई जाने के बाद लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित किया गया था। राहुल गांधी सोमवार यानी कि आज 3 अप्रैल को इस सजा के खिलाफ गुजरात के सूरत कोर्ट जा रहे हैं। यहां वह अपनी सजा के खिलाफ याचिका दायर करेंगे और कोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे। उम्मीद की जा रही है कि राहुल गांधी अपनी याचिका में कोर्ट में मोदी सरनेम मामले में उन्हें दोषी ठहराने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द करने के लिए कहेंगे। बताया चले कि इसके लिए राहुल गांधी सूरत के लिए रवाना हो चुके। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बहन प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर सूरत के लिए निकली है, जहां पर हवाई जहाज में बहन प्रियंका गांधी और भाई राहुल गांधी अगल बगल बैठे हुए नजर आ रहे, जिसकी वजह से दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है। बताया चले कि राहुल गांधी के सूरत पहुंचने से पहले वहां पर प्रशासन की तरफ से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और लगातार कांग्रेस सड़कों पर उतरकर राहुल गांधी का मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बताया चले कि राहुल गांधी को हाल ही के दिनों में सूरत की कोर्ट ने 2 साल की उम्र कैद की सजा सुनाई थी। दरअसल उन्होंने मोदी सरनेम मामले में उन्होंने टिप्पणी की थी, जिसके बाद मानहानि मामले में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की उम्र कैद की सजा सुनाई थी। लेकिन उम्र कैद की सजा सुनाई जाने के तुरंत बाद ही राहुल गांधी को 30 दिनों की जमानत भी मिल गई थी। उसके बाद राहुल गांधी को अगले दिन लोकसभा से भी अयोग्य घोषित कर दिया गया। अब राहुल गांधी एक बार फिर से बहन प्रियंका गांधी को लेकर सूरत पहुंचे, जहां पर वे कोर्ट में आज फैसले को चुनौती देंगे। फिलहाल इस खबर को देखकर आप क्या सोचते और समझते हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज डेस्क से हर्षराज की रिपोर्ट।